राम राम भाई जुड़े वो सारे भाई बहुत जरूरी बात करेंगे लगभग पंद्रह दिन बाद लाइव आया हूंगा मैं आज पंद्रह मिनट रोड पे खड़ा हो गए जल्दी कट गया सोच के सा, सा रोड पे खड़े थे तो क्या बीती होगी बिल्कुल भाई यही बात करनी है भाइयों से एक बार जुट जाओ जो, जो आज देश को खतरा हो गया और भाई पता नहीं देश पर कितना बड़ा कलंक लग गया कुछ अंधभर कुछ कुत्ते पोस्ट लिखने लग रहे थे भाई कहाँ एक भाई लिख रहा भाई कहाँ था भाई बात ऐसी है न, काफी 2017 का कुछ केस वगैरह पेंडिंग था जो यहाँ नहीं बता सकता अभी मेरी हाईकोर्ट जमानत लग रही है मैं हाँ बाहर हूँ हरियाणा पंजाब से बाहर हूँ कहीं और कहीं हूँ जल्दी मिलते हैं सब ठीक रहा तो जल्दी जमानत मिल जाओगी और मैं कई बार था और इसलिए फ़ोन वगैरह सब बंद कर रखे हैं सब कुछ है, कहीं हूँ बाहर जल्दी मिलते हैं अपने हरियाणा में आके अपने सभी भाइयों से एक बार जुड़ो सारे भाई बहुत ज़रूरी बात करेंगे देखियो मैं इससे सोशल मीडिया से इस चीज़ से काफ़ी दूर हो रखा था कुछ टाइम से लेकिन जो आज ये पोस्ट लिख रहे थे तो बताइए मा भाई जो होना हो तो होगा ये लेकिन इन कुत्ते होगा था देख ले क्या चल रहा है आज तो हिंदुत्व को बहुत बड़ा खतरा हो गया है आज ये जो हिन्दुत्व के ठेकेदार थे वो आज देख लो जो ये कह रहे थे हमें पता नहीं बीजेपी के लोग हमारे बीच में रहते हैं वो लोग कैसे हमारे बीच में आते हैं उनको बता दो जो, जो आज मोदी को लेके उसकी खतरे को लेके जो पोस्ट डालने लग रहे हैं वो सारे भगत हैं वो तुम्हारे बीच में ही रहते हो पता नहीं लगने देते तुम लोगों को एक मिनट एक बार सारे भाई जुड़ जाओ और बताऊंगा कुछ सारी बात है भैया ने ये भाई लिख रहा भाई ते वारंट हो रखे हैं कैसे यार हारे है, है छोड़ छोड़ने तू के दे बात भाई आमको तो चलो सॉरी फिर थारे जी से ही वो ये कहता कुत्ता जो बीजेपी का है तो भाई मुंह त गाली लिकट जाए फिर कहे भाई ऐसे हिब्बे बोल मैंने ऐसे हिब्बे बोलने का कोई शौक़ नहीं है भाई करवा दे रेस्ट करवा दे त शांति मिलती होता है अरे भाई जहड़ा है भाई आदमी जाग रहे हैं थर जिसे ना जाग रहे हैं पानी मारे जिन्हें पहले कांग्रेस का पानी मार के निकाल दिया मोदी 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 पिताजी के चक्राम टाइम काट दोगे तुमने तो रहना है ऐसे भाई लिख रहे भाई प्रधानमंत्री है थोड़ा तमीज में बोलो भाई प्रधानमंत्री होगा थारे लिए अगर प्रधानमंत्री होता जो हमारे आठ सौ किसान शहीद होके बॉर्डर पर बैठे थे वो कीड़े मकोड़े थे क्या उनकी ऐसी तैसी करके रख दी कहीं भी जाते कहीं भी विरोध करते किसी मंत्री का उनके ऊपर लठ मरवाने उन ऐसी तैसी करवा के रख दी तुम लोगों ने जब कहा था तुम्हारा प्रधानमंत्री और आज बीस, बीस मिनट का कुत्ता जब रोड के ऊपर खड़ा हो गया बीस मिनट इन्होंने वेट कर लिया तो यो क्या हो गया ए पूरी दुनिया बराज कर रखा गया इसने बढ़ूए तुम तो मार लो पानी पानी मार कोने यहां किसी की रजिस्ट्री नहीं हो रखी या कोई कोई तीस साल का होगा मरेगा कोई चालीस साल का होगा मरेगा कोई पचास साल का होगा मरेगा कोई साठ का होगा मरेगा कोई अस्सी का होगा मरेगा कोई सौ साल का होगा मरेगा कोई एक्सीडेंट में मरना कोई बीमारी मरना यहाँ रजिस्ट्री नहीं हो रखी लेकिन कुत्ते थारे की तरिया पानी मार के जिंदगी ना काटा अच्छा हमारी साली चालीस साल की जिंदगी है अच्छा पचास साल की जिंदगी है लेकिन स्वाभिमान की जिंदगी जीवांगे न्यू जीवांगे कि जो भी इस देश के ऊपर राज करे दे गलत तरीके दो करे दे उन गा देख है उन गडंडा देख है हमने अपना स्वाभिमान जिंदा रखा

दो परसेंट दो परसेंट दो से तीन परसेंट सिख है वो खतरे में नहीं ढाई परसेंट दो परसेंट जाट है मनी, मनी, ये खतरे में नहीं क्रिश्चियन खतरे में नहीं सत्तर परसेंट से ज्यादा ये हिंदू खतरे में दिखा रखे रहे प्रधानमंत्री हिंदू राष्ट्रपति हिंदू मुख्यमंत्री सारे हिंदू फिर भी हिंदू तो खतरे में ऐसी करके टेक दी देश की हिंदू तो उधर अलग कुछ नहीं दिखता ऊपर तो ये वैक्सीन वैक्सीन करने लग रहे भाई वैक्सीन कुछ कौन है फ्रॉड काम चला रहा है कैसे कौन सी वैक्सीन भाई मन आज तक दो दो वैक्सीन है मैं दे, दे, बार भी जाया एयरपोर्ट पे भी चाहे सर्टिफिकेट फर्जी बनवा रखी बन बन ना लगवाऊ में और, और जो जिनका लगवा रखे कैसे मरने लग रहे हैं भाई कौन सी वैक्सीन है ये देश का नाश करने का एक प्लान है बहुत बड़ा भाई कोरोना के जब लोग हॉस्पिटलों में मरने थे हमने खूब है ऑक्सीजन सिलेंडर की करी खुद ज्यादा जहां पे कोरोना के पेशेंट थे वहां खुद जाके आए हैं उनको टच भी किया मेरे तो ना हो भाई कोरोना अरे एक भी वैक्सीन लगवाई हो रही लगवा भाई ये थोड़ी कल नहीं कहेंगे अच्छा का काट के नंगे हो जाओ नंगे हो जाओगे परिवार ने बेच दो परिवार ने बेच देंगे ये बताओ केजरीवाल ने रैली करी लाखों लोगों की एक भी आम आदमी का कोरोना हो किसी का कोरोना हो बता दो अगला केजरीवाल ने कह दिया क्योंकि ये सारी राजनीतिक पार्टी एक बार देखो सुरजेवाला ने कह दिया और इसने यूपी में कई मंत्री नक दिया भाई आज वो कर दिया आज प्रधानमंत्री की सिक्योरिटी में थे आज उन नक दिया भाई हमारा कोरोना हो गया कौन सा कोरोना हो गया भाई कहा था कोरोना एक रैली करे लाखों आदमी की मंत्री का कोरोना हुआ आम आदमी किससे कोरोना ना होता हम सवा साल बॉर्डर पर बैठे रहे मारे एक कभी एक का किसी का कोरोना ना हो एक भी आदमी बता दो लाखों आदमी बैठे थे जब ये कहने लग रहे थे लोग कोरोना से मर रहे हैं लोग इतना बड़ा देश के अंदर षड्यंत्र रचने जाने लग रहा है और देश के अंदर इतना बड़ा सिस्टम खड़ा होने लग रहा है कि देश खत्म हो जाएगा कोरोना तब कहा है कोरोना ये तुम्हारे ऊपर जबरदस्ती करके राज करने की साजिश है कि राज करने जबरदस्ती डंडा चढ़ा गए पहले ये बताओ अगर ये ये कहने लग रहे कोरोना की वैक्सीन अगर दो वैक्सीन लगाने के बाद भी कोई मरने लग रहा था फिर वैक्सीन क्यों लगा रहे हो अगर मास्क लगाने के बाद भी ये कहने लग रहे हैं कि कोरोना होने लग रहा है कौन सा कौन सी फिल्म चला दिया देश के अंदर मतलब कोरोना इतना समझदार है तीन लाख की यूपी के अंदर तीन लाख की रैली कर दी पंजाब में एक डेढ़ -एक डेढ़ -डे, लाख की रैली केजरीवाल करके तो चलाएगा वहां लगातार रैली करने लग रहे हैं वहां कोरोना ही नहीं है कोई भी कोरोना नहीं कोरोना इतना समझदार हो गया है कोरोना इतना स्वाभिमानी हो गया कोरोना इतना इसके देश लोकतंत्र की इतनी इज्जत करता है जहां भी ये इलेक्शन होगा वहां पे कोरोना नहीं जाएगा इतना गंध फैला के टेक दे देश के अंदर चलो मान लिया कोरोना ये कहने लग रहा है कोरोना एक बीमारी है तो मोदी आप अपनी ऐसी तैसी कराना लग रहा था वो आज आज वो लाखों की भीड़ क्या प्रधानमंत्री को ये नहीं लगता जब चार स्टेटों के मुख्यमंत्रियों ने फुल लॉकडाउन लगा दिया ममता बनर्जी ने लॉकडाउन लगा दिया हरियाणा में पांच बजे तक लॉकडाउन लग गया और उसके साथ तमिलनाडु तो आंध्रा में इतनी सख्ताई बरत दी और प्रधानमंत्री देखो प्रधानमंत्री देखो कितनी देश की इज्जत करने लग रहा है जब प्रधानमंत्री देश की कितनी इज्जत करने लग रहा है, उसको यह पता, इतनी बड़ी है। जब वो हजारों की सिक्योरिटी साथ लेके चलने लग रहा है आज आप देख लो जहा कह, ये कह, कहने लग रहा था ना खड़ा होके प्रधानमंत्री मोदी कि मैं मौत मो, के मुंह से निकल के आया हूँ मेरे को आज पंजाब में मार दिया होता आज पंजाब वालों ने मेरे साथ ऐसा किया इतने बड़े बड़े ट्वीट करने ट्वीट करने लग रहा है और इसके बड़वे कुत्ते आदमी इसकी पोस्ट करने लग रहे प्रधानमंत्री की ग्रीमा को ठेस पर प्रधानमंत्री सर्वे सर्वा क्या भाई भगवान है देश देश का प्रधानमंत्री देखेगा क्या सब कुछ ये की ऐसी तैसी रख दी गुलाम क्यों बनने लग रहे हो जब कहा था प्रधानमंत्री जब बोर्डर में सवा साल थी कीड़े मकोड़ा इतरे आज आज को ट्रॉलिया नीचे आ गया आज किसी को अटैक हो गया आज को बारिश की वजह से मर गया आज को सर्दी की वजह से मर गया आज किसी किसी वजह से मरने लग रहा तब कहां थे भाई ये भाई लिख रहा भाई फिर मुकदमा लगा देंगे भाई बोलने लग भाई मेरा तो लगाने दो मुकदमे ग्यारह मुकदमे पहले लग, लगा रखे हैं दो साल इन कुत्ते राज में फिर काटा भाई चाहे चार दिन की जिंदगी हो चाहे थोड़े दिन की हो लेकिन इन कुत्ते डंडा चढ़ाकर जीवांगे इतने जीवांगे किसी रजिस्ट्री ना हो रही अंबानी ने भी नुए जाना है कुत्ते ने भी नुए जाना है प्रधानमंत्री ने भी नुए जाना है कोई सताई नहीं आ पे तो भाइयों इतना वो मत दिखाओ आज इसने दिखा दिया कि भाई बीस मिनट प्रधानमंत्री की गरिमा को ठेस पहुंचा देश को खतरा हो गया प्रधानमंत्री जी बीस मिनट वहां खड़े रहे हाईवे के ऊपर उस हाईवे के ऊपर लठ लठमारे थे हमारी हमारी बेटिया के काकी सिर ने हे प्रधानमंत्री जी उगा इस देश में हजारों सिक्योरिटी लेकर चल रहा जब कोरोना कहाँ है वहां लाखों ही भीड़ की रैली वहां कुर्सी बैठे कुर्सी लगा रखी कि लाखों लोग आएंगे तब कोरोना कहा चला गया बता दे दो कोरोना है कहा अब कहा गया कोरोना या इसका मतलब ये हो गया आम आदमी होगा घरों में घुसा दो ये तब तो न न पुंसंक बनाओगे सारे ने इंजेक्शन लगा लगा जिसने लगवा रखे देख लियो ये कोरोना इतना गैप देगा क्यों है इतनी बकवास फैला दी ये कर दिया वो कर दिया चलो भाई ये कोरोना ये कह रहे हैं फिर इंजेक्शन किस बात कर रहे इंजेक्शन लगाने के बाद भी मौत क्यों हो रही फिर इंजेक्शन मत लगाओ भाई फिर लोगों ने अपने आप ऊपर छोड़ दो अपने आप पे जीना जीख लो भाई तुम्हारा अपना घर रहना तो बीमारी होगी फिर इंजेक्शन के नाम पर भी इतना बड़ा सिस्टम इस देश के अंदर छेड़ दिया लोगों को डराने लग रहे हैं ये कहने लग रहे अगर वैक्सीन नहीं होगी सार्वजनिक प्लेस पर नहीं जाओगे ये नहीं करोगे तुमने गुलाम बनाओ ये और भाई चन्नी साहब का बहुत बहुत धन्यवाद अगर चन्नी साहब के ऊपर आरोप लगाने लग रहे धन्यवाद मुख्यमंत्री जी आज हम सुरक्षित नहीं ये जो नॉर्थ इंडिया है ना नॉर्थ इंडिया ये 700 साल का अपना इतिहास अपने दोस्त और दुश्मन नहीं भूलता और कई चीज कई लोग इसको आज इंदिरा गांधी से जोड़ने लग रहे हैं भाई ये तो वही लोग है जिन्होंने इंदिरा को मारा था आज मोदी को खतरा हो गया था क्यों भाई जब हमारे आठ सौ किसान मारकर रोड़ा वगैरह जब ना देखी इसने एक बार भी ट्वीट हो तो किसी भी एक भी एक इसके मुख्यमंत्री ने किसी एक भी इसके मंत्री ने एक ने भी ये लिखा भाई हमें आज बहुत ज्यादा दुख है कि हमारा एक किसान शहीद हो गया हमारे दो किसान शहीद हो गए हमारे दस किसान शहीद हो गए जब तक हम आतंकवादी खालिस्तानी देशद्रोही गद्दार नॉर्थ इंडिया के अंदर बार बार ही मतवास फैलाइय जटोगा जटोगा आंदोलन हा भाई था और तुम तो आतंकवादी खालिस्तानी को तो सुन लो जाट जट जिन्होंने देश की आजादी देश आजाद कराने में सबसे बड़ी भूमिका थी वो कभी देशद्रोही नहीं हो सकते जिसने जाटनी का दूध पी लिया जाटनी का पैदा होगा तो देशद्रोही नहीं हो सकता वो भाग्य हो सकता है थारे डंडा चढ़ा सकता है थारे खिलाफ हो सकता है इन कुत्तिया देश का नाश करके टेक दिया आज पूरे दिन कोई फिल्म नहीं पूरे किशन देख ले जितने ये बीजेपी के आरएसएस के कुत्ते हैं बड़वे लोग हैं ये क्या लिखने लग रहे हैं आज तो प्रधानमंत्री की गरिमा को ठेस पहुंचा देश का लोकतंत्र कहा लोकतंत्र कहा छोड़ रहे तुमने तो कुत्ते हो शुरू में तुम तो ये शुरू में किस लिए आगे शुरू में कह गया इस देश में खतरा है मुसलमानों से खतरा मुसलमानों को खत्म करना मुसलमानों का डर दिखा के मुसलमान की संख्या इतनी बढ़ने लग रही है दस दस बच्चे पैदा करने लग रहे हैं ये तुम्हारी बहन बेटियों को उठा लेंगे घरों से तुम्हारी बहन बेटियों को उठा ले जाएंगे और भाई इसलिए प्रधानमंत्री को लेना जरूरी है पाकिस्तान की ईंट से ईंट बजा देगा इन कुत्त ने और कोई बात नहीं दिखी जब तुमने इसको लाइसों पर था वही है तो लाश बिछा देगा पाकिस्तान को मार देगा मुसलमानों को मार देगा तुम्हारा हिंदु तो खतरे में आ जाए तुम इसको लेके इसलिए आए हो फिर इससे अच्छे चीज कामना कैसे कर सकते हो सोच कैसे सकते हो यो अच्छा काम इस देश के अंदर कर देगा गुजरात में गोदारा कांड करवा के हिंदू मुस्लिम करवा के यहाँ पहुंचा महाराष्ट्र में मराठा नोन मराठा करा गुजरात में पटेल नोन पटेल करवाया हरियाणा में जाट नोन जाट करवाया इसमें पंजाब में सिख हिंदू करवा दिया क्या इसी ऐसी ऐसी निकली है तुम्हारे ऐसी जब तुम सोच के ही आए थे कि ये तो लाश उठाएगा ये तो भाई बदले लेगा जब तुमने बोटे ये सोच के दी थी भाई वो बदला लेना खातर काम करेगा तो इस तक क्यों सोच सोचोग तुम यो करवा देगा ऐसा जो डर दिखा दिया मुसलमान तुम्हारी बहन बेटियां ने ठा ले जाओगे ये कर देंगे यार न्यू बताओ सत्तर परसेंट से ज्यादा आबादी इस हिंदुओं की देश के अंदर वह खतरे में नहीं वह सत्र से ज्यादा हिंदू वह खतरे में दो परसेंट से ज्यादा क्रिश्चियन हो गए और दूसरे हो गए वह खतरे में नहीं जाट खतरे खतरे में में नहीं नहीं सिख ये पता नहीं है हिंदुतो का कौन सा खतरा दिखा दिया प्रधानमंत्री हिंदू राष्ट्रपति हिंदू मुख्यमंत्री हिंदू फिर भी तो हिंदुत्व खतरे में इनका समझना आता है हिंदुतो के ठेकेदार हिंदू हिंदू कर किंदू हिंदू कर कह क्यों इस देश के नाशकरण का हैं आज आज देखा ਮੈਂ ਕਿਤੇ ਲਾਈਵ ਨਹੀਂ ਆਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਈ ਬਾਈ ਘਰੇ ਦੇ ਬਾਈ ਸਹੀ ਬਤਾਉ ਮੇਰੀ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਮੈਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਐਨ ਮੈਂ ਕਾਫੀ ਦਿਨ ਤੱਕ ਬਾਹਰ ਥਾਰਿਆਣਾ ਪੰਜਾਬ ਕਾਫੀ ਦਿਨ ਤੋਂ ਛੋੜ ਰੱਖਿਆ 14-15 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਮਨੇ ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਹੂੰ ਕਹੀਂ ਅਰੇ ਤਨਾ ਜਮਾ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਿਆ ਇਹਨੂੰ ਕੁੱਤੇ ਨੇ ਦੇਖ ਕੇ ਬਾਈ ਚਾਹੇ ਕਦ ਦੇਵੋ ਜਾ ਮੁਕਦਮੇ ਕੇ ਇਸ ਤਰ ਲੱਗਤੇ ਰਹਿਗੇ ਕੋਈ ਨਾ ਫੇਰ ਦੇਖੇਗੇ ਈ ਬੇ ਇੱਕ ਬਾਈ ਲਿਖ ਰਿਹਾ ਬਾਈ ਇਹ ਕਾਧਾ ਗਲਤ ਕਮੈਂਟ ਕਰ ਰੈ ਇਹਨੂੰ ਕੁੱਤੇ ਇਹਦਾ ਕੁੱਤੇ ਸਾਰੇ ਕ ਹੋਇਆ ਕਰੇ ਕੁੱਤਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾ ਘਰ ਮੈਂ ਗੰਦਾ ਆਦਮੀ ਘਰ ਮੈਂ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾ

लेकिन वहां तक लोग घुसे कैसे क्यों भाई क्यों नहीं घुसेंगे तुम मारे उड़ा छाती पे बैठ गए थे मारी छातियां बैठ बैठ कर तुमने गोली चलवा दी जबकि जा रहे थे जब ना दिखा था गे हो क्यों हो आग्रह तो सारे भाई को हूं यो सिस्टम शिष्टम लड़ लो कुछ नहीं है याड़ा गुलाम के बनने की कोई जरूरत नहीं है इंजेक्शन इंजेक्शन ये फैल चला रहे हैं बेखाम की यू न्यू देखो ना अगर कोई भाई न्यू गारंटी लेता हो ना भाई इंजेक्शन लगाने के बाद मास्क लगाने के बाद हरा कोरोना नहीं होगा फिर इंजेक्शन तो सब लगवा लेंगे जब ये कोरोना पहली डोज लगने के बाद दूसरी लगने के बाद भी ज्यादातर वो लोग मरने लग रहे जी ना नहीं इंजेक्शन लगवा बता दो गाम कितने लोग मरे हैं बता दो बॉर्डर पर कितने लोग मरे हैं कुछ नहीं ये बकवास फैलानी है तुमने गुलाम बनाना है और आगे कहने लग रहे हैं ऐसा सिस्टम डिजिटल फिट कर देंगे अगर तुम्हारा कोरोना टीका नहीं लग रहा था तुम्हारी बैंक से ट्रांजेक्शन भी नहीं होगी ऐसा ऐसा सिस्टम अगर स्कैन भी करेंगे किस किस का लगे हैं ऐसी तैसी करेंगे गुलाम बनाने जा रहे हैं तुम लोगों को और बनते रहो जिस, जिस का इंजेक्शन लाग लिए थारा ऐसा काम बनना है थारा समझ में नहीं आवा और भाई फिर वो, वो बात जिस बात पे किसी ने ये था जो ये बंद भगत लिखने लग रहे थे उनको लेके फिर बता दू अगर किसी ने मोदी के भाई शवीरो से सुरक्षा कुछ से और भाई अगर किसी का स्वाभिमान को ठेस पहुंची हो तो कुत्ते वो मेरी आईडी में हो दो तो, प्लीज तुम्हारे तेरे रिक्वेस्ट है रिश्तेदारों कुत्ते तुम तो मेरी आईडी तो निकल जाओ डेली तुम ना आदत होगी मैंने पूरा कंट्रोल कर लिया मैं ऐसे सब बोलू चलो ऐसे गाड़ी तो नहीं देता ये कुत्ते बढ़े आम बात है क्योंकि ये तो इन्होंने सीख रखी है ये इनके पिताजी मोदी के लिए सुनते आउंगे ये देखो कितना तमाशा बना दिया इस देश के अंदर आज कोरोना से इतने आदमी पहले लाखों आदमी इन्होंने दिखा दिए मर गए इतने हमारे किसान बॉर्डर पे सी की फैमिली पीछे शहीद होगी एक के मैं कहूं भाई ये कहने लग रहे थे सीडीएस की जो फैमिली थी जो रावत फैमिली थी जो वो करेगा वो एक षड्यंत्र था बीजेपी का ये देखो जब भी इलेक्शन होते है, तभी क्यों किसानों के जब भी क्यों किसानों बेटे, तभी ये के बेटे तब भी एक जवान क्यों शहीद होते हैं एक भी जब से मोदी आया है जब से इस देश में मोदी आया एक भी इलेक्शन ऐसा बता दो किसी भी स्टेट का उसके दो चार महीने पहले हमारे सैकड़ों फौजी ना मारे गए हों वो शहीद ना किए गए ये ये ऑर्डर दिखा गया ले, खालिस्तानियों ने आतंकवादियों ने मोदी के कितने खिलाफ हैं ये हिंदुत्व को ठेस पहुंचाना चाहते हैं हिंदुत्व खतरे मांगे ये चीज यूपीएम दिखाओगे आज के इस, इस चीज बाबत जो, जो इसको विरोध होया है आज जो इसका विरोध होया जो आज इसकी बेस्ती लत्ते तारे हैं इसका विरोध जो ये विरोध होया है इसका फायदा है पूरा पूरा यूपी में लेगा क्योंकि वहां भाई काफी हत्या भक्ति है वहां तो हिंदू मुस्लिम के नाम पे पूरा पूरा इलेक्शन लड़ गए हैं लोग वहां तो इन श्रीराम पे कृष्ण भगवान के हनुमान के नाम पे इतना डर दिखा देंगे इनतः अगर तुमने वोट नहीं दी तो प्रभु नाराज हो जाएंगे तुम्हारे और तुम्हारे परिवारों में नौकरी नहीं मिलेंगी और परमात्मा नाराज हो गए तो पता नहीं क्या क्या हो जाएगा पता नहीं पता नहीं है क्या क्या दिखाओगे क्योंकि वहां काफी हत्यागंध भक्ति है हिंदू मुस्लिम के नाम पे और यही साइड के हमारे वाले समझ चुके हैं कि भाई कुछ को नहीं हो ना हिंदू मुस्लिम ना जाट नो जाट ना सिख सिख हिंदू कुछ को नहीं है वो सिस्टम में कुछ नहीं अभी तो देख लेना अभी तो इलेक्शन पास में है मैं आपको पहले बताऊं आप चाहे इस बात को रिकॉर्ड कर लेना यूपी इलेक्शन से पहले या तो किसी साधु की हत्या करवाएंगे ये किसी ना किसी साधु को गोली मरवाएंगे वहां पे हिंदू मुस्लिम करने के लिए दिखा देंगे, के 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 ले के ले के देंगे कैमरे के साथ ले, सामने ले के आएंगे वो क्या बोलेंगी जो इनका स्कीम होती है पूरी इनकी हिंदू इन मुस्लिम कैसे कराना यूपी में क्या करेंगे वो मोदी जी का धन्यवाद तीन तलाक वाला कानून लेके आए हमारे हमारे परिवार को बचा लिया हमारे को बचा लिया और अगर मोदी जी नहीं होते तो हमारे मुस्लिम महिलाओं के साथ ये हो जाता एक तो ये होगा किसी आ रही होगी मंदिर के बाहर जहाँ साधु सब आ रही होगी वहाँ साधुओं पर अटैक करवा देंगे गोली मरवा देंगे दिखा देंगे देखो मुसलमानों ने ये कर दिया वहां चाहे वो किया किसी ने हो ये प्लान करवाते हैं उनको नाम फिर दे, दे देंगे यो भाई असमुद्दीन उल्लाह था फलाना था यो था यो था असरुद्दीन था फलाना था उसको ये साबित करना ये मुसलमान ने किया दूसरी बात या ये भी क्या करेंगे उससे अलग उससे अलग ये क्या करना है पांच चार ये और लड़कियां ले आऊंगे फिर ये कह देंगे भाई मेरे को मुसलमान उठा ले गए मेरे जबरदस्ती मेरे से शादी की और अब मेरे को छोड़ दिया पांच चार वो लड़की जिनके ये मीडिया के सामने उन जैसे स्पीच दिलाएंगे टोटल करके इन्होंने हिंदू मुस्लिम करना है और वो नहीं वो उसके तो क्या करेंगे कहीं कि हमारी आर्मी की कोई वैन जा रही होगी कोई गाड़ी जाने लग रही हो या किसी आर्मी वाले के ऊपर अटैक करवा देंगे इनका काम है ये पूरे पूरा षड्यंत्र पूरा रच के पूरी पूरी प्लानिंग रचेंगे वही लिख रहा है वही रुक जा प्रधानमंत्री वही प्रधानमंत्री मां आ, मैं बनू या ना बनू या वो एक अलग चीज है प्रधानमंत्री तो तू कहने लग रहा है बात यह थारे वाला प्रधानमंत्री देख लो ना दस मिनट देख के चलो उसने पता दल लग गया दस मिनट क्यों भाई बीस मिनट पूरी बीस मिनट एक हाईवे के ऊपर खड़ा हो गया उसने देख लिया कि गाड़ियों के पास किसान है विरोध करने लग रहे ऐसा ताना सा आदमी है कि जिस देश में जाता है एक दो किलोमीटर तक तो ये पब्लिक को कीड़े मकोड़े इतरे पास ही नहीं आने देता यहाँ कैसे कर दिया आज तो ये पूरा का पूरा मामला खालिस्तान से जोड़ दिया पाकिस्तान से जोड़ दिया आतंकवाद से जोड़ दिया एक भाई लिख रहा भाई भाई तू वाले के बारे में लिखता भाई मैं लिखूंगा संत भिंडरा वाले के बारे में लिखूंगा अपनी कौम बचा के जा रहा है वो इंसान आज उसकी वजह से उसकी कौम बच गई पता नहीं उसने क्या क्या निपटाया जो जो खिलाफ बोले मुख्यमंत्री अरबिलानी विधायक पता नहीं क्या क्या निमटाया अगर वो ना करता तो आज तो ये खत्म हो गए होते आज ये पूरी दुनिया पर आज करते हैं चलो उस मैटर में नहीं जाना चाहता तड़के मैंने खालिस्तानी बना पाऊंगे खालिस्तानी आतंकवादी है जो इस देश में पहले देशद्रोही कौन होता था इस देश में जो देश के खिलाफ बोलता देश के साथ गद्दारी करता वो इस देश के अंदर देशद्रोही माना जाता था लेकिन आज देशद्रोही खालिस्तानी आतंकवादी बागी कौन माना जाता है आज वो माना जाता है जो इस बीजेपी के खिलाफ बोलता है पहले देशद्रोही होता था जो देश के खिलाफ बोलता था देश से गद्दारी करता था आज देशद्रोही को ना जो बीजेपी के खिलाफ बोलता है इनके हिंदुत्व के ठेकेदार जो बन रहे इनके खिलाफ बोलता है आर के खिलाफ बोलता है जो ये जहर बोने लग रही खिलाफ बोलता है तो भाइयों एक हो जाओ अपनी चीजा नहीं न समझो अरे गुलाम है अच्छा बाहर निकलो और इन कुत्तों का सामना करो ये सोच रहे हैं कि यूपी का इलेक्शन है इसका ये फायदा करके ये कर करके वहां पे रैली में तो कुछ था नहीं कैंसिल इसलिए कि वहां पे सब कुछ खाली था उसका फायदा लेगा भी यूपी में वहां पे रोएगा की उसकी एक्टिंग होती है ये बड़ा बे रूपया है जहां जाता वैसा वैसे ही वैसा, वैसा बना लेते हैं देखियो चाहे उसके तो अभी इलेक्शन तक यहां आएगा नहीं ये कह गए मेरे को खतरा है आतंकवादियों तो खालिस्तानियों से खतरा है ये मेरे को मार देंगे चाहे देश के नाम पे यूपी पे ओकरा का क्यों वहां अंधभक्ति है वहां पे क्या है परिवार में पांच आदमी हैं तीन जैंत के पाओगे दो बीजेपी के पाओगे एक आधा कांग्रेस का ही पा जा युवा मोस्टली वो जैंत के परिवार की इस तरफ है क्यों नहीं पता है वो क्या करना है और कुछ हैं जो लोग ऐसे है जो इसके देवी देवताओं के नाम पे हिंदुत्व के नाम पे डरा रखे हैं वो कुछ इसकी तरफ है मतलब वहां पे इस लेवल क्या चलता है क्योंकि वहां पे हिंदू मुस्लिम की जो पॉपुलेशन है वो बहुत ज्यादा है जो हिंदू कुछ तो ये मानते हैं बाकी सब नए मुसलमान मानते हैं इनके हिसाब से और ये जो कहने लग रहे प्रधानमंत्री प्रधानमंत्री क्या होता है सेवक होता है ये थारा बाप को ना जो इसने बाप मान रहे देश का सर्वे सर्वा मान रहे इसने भगवान मान रहे अपने घर लिया हो हम ना मानते हैं ना कुछ है जैसी लोगों की इज्जत करेगा वैसी इज्जत पाओगा ममता बनर्जी के वहीं इज्जत करी ममता बनर्जी के सीबीआई भेज दी रातों में और वैसे उसको परेशान किया इलेक्शन के बाद वहां सर्विस की बीजेपी वालों की और वहां देख लिया हेलीकॉप्टर ना उतरने उन्होंने दिया पता लग गया क्या हो गया जैसी इज्जत करी वहां वैसी की हरियाणा पंजाब के लोगों को इन्होंने आठ लोगों को वोट मरवा दिया और उनके ऐसे हालात कर दिए मां मा बाण बेटी हो गए कैसे ऐसे लोग सिर्फ फडवा दिए लेडीज होगी फिर हमारी काफ फडवा जो आज तक ठीक नहीं हो पाई उनकी ऐसी तैसी करवा दी तब कहा थे ये लोग तो भाई इस गुलामी से बचो सबका इलाज सब होना यहाँ है पर है। तो बहुत ज्यादा खुशी हुई बहुत ज्यादा खुशी हुई जो एक जा के ये कुत्ता जाके थैंक्स मुख्यमंत्री जी आपकी वजह से या कैसे मैं आज मरता मरता बचा मेरी जान को खतरा था अरे जब तक तो नहीं जानता खतरा है तो इतना बड़ा ठेकेदारी इसका ये देख जब से प्रधानमंत्री ये बनाया है इसने कभी सुना आपने पाकिस्तान से अलग बांग्लादेश से अलग कभी किसी का नाम लिया हो क्या कभी इसने स्विट्जरलैंड से जापान से यूरोप यूरोपियन कंट्रियों से रशियन कंट्रियों से अमेरिका से कभी आपका कंपैरिजन किया है कभी भी कोई जिक्र किया बात करें अगर पाकिस्तान की तो पाकिस्तान की बात करें जब उससे लेवल पर रहना पड़ेगा तुमने तो इसका पानी मारो इसकी बोर्ड दे जाओ बार बार पाकिस्तान से बदला ले लेंगे पाकिस्तान की ईंट से ईंट बजा देंगे अरे पाकिस्तान तो वैसे ही खत्म है पाकिस्तान के पास है क्या क्या कभी स्विट्जरलैंड की यूरोपियन कंट्री है की जापान की रूस की टेक्नोलॉजी की कदे बात करी हम उस देश के बराबर पहुंच जाओगे उससे अपना बदला लेंगे और जो हमारे सारे साइंटिस्ट इंजीनियर इस देश ने छोड़ छोड़ कर जान लग रहे हैं और वहां दूसरे देशों पे में वो सब कुछ संभाल रहे हैं क्या कभी उनसे कंपैरिजन जब उसने तू में रहा है, पाकिस्तान ने, तो जैसे आला देश है तो पाकिस्तान के अंदर अमेरिका से कंपैरिजन कर रूस से फ्रांस से वो टेक्नोलॉजी में हमारे से सो डेढ़ सौ पचास हालांकि कैसे हैं उससे कंपैरिजन तो पाकिस्तान तक करेगा तो पाकिस्तान के बराबर में लगे बैठा दिया बंग्लादेश तभी नीचे लगे बैठा दिए नेपाल हमारी जमीन पे कब्जा करने लग रहा है ये हालात हमारे देश के हो गए और तुम ना देख हिंदू तो दाला कुछ दिखता है ना मारे जाओ पूरे दिन पानी भाई एक आधा एक दो भाई लिख रहा भाई मोदी जिंदाबाद भाई मोदी ने घरा ले जा मेरा कुछ फर्क ना पड़ना अगर दस बीस परसेंट लोग अगर विरोध करेंगे मैं तो चाहू हूँ विरोध होना चाहिए लिखो जिसने मेरे बारे में बुरा बोलना है मैं मोदी तक कहूँ तो मेरे बारे में लिखना लिख के जाओ लेकिन एक बात कहूँ बालना पट्टा है जब तक जीवांगे स्वाभिमान की जिंदगी जीवांगे थ्रिया कुत्तों गुलाम को नहीं हमें एक भी मेरे पोस्ट मोदी की किसी मंत्री बता दो अमेरिका का कंपैरिजन कर दिया हमारा जापान था रूस था किसे देश था कंट्री किसी जो डेवलप डेवलप कंट्री है हमारा कदे कंपैरिजन कर हमारा कंपैरिजन हमेशा बांग्लादेश से पाकिस्तान से होता तुम हर इलेक्शन में एक आ गया पाकिस्तान से बदला लेंगे पाकिस्तान वालों ने हमारे किसान जवानों को शहीद कर दे बदला लेंगे पूरा उसका कंपैरिजन करके हमेशा हम अपने अपने परिवार में अगर हम अपने बच्चे का कंपैरिजन किसी गुंडे बदमाश मवालीता या उनका करेंगे तो हमारा बच्चा इसका मतलब क्या होनी उन्हीं के लेवल का अगर हम अपने बच्चे को डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के ऊपर पढ़ाएंगे और एथलीट्स बोल्ट के बारे में पढ़ाएंगे अगर क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर के बारे में पढ़ाएंगे और अपने अपने जो साइंटिस्ट हैं उनके बारे में पढ़ाएंगे तो हमारे बच्चे उस लेवल पर जाओगे जब हम अपने बालका ने पढ़ावागे भाई मोदी कैसा है तो मोदी जी साहब बनेगा पद पद नहीं उसकी उसकी हरकत है अगर उसने बताओगे अगर आप उसने हिंदुत्व और गौमूत्र की बताओगे वो आर एस एस के अच्छेदारी बनेगा बनाएगा जिन्हें पूरी उम्र से तीन सौ सतर कर, कर गए एक दूसरे का टाइम काटना है वो उस जिसा बनेगा वो आपका बच्चा डेवलप ना हो सकता ना उसका माइंड डेवलप हो सकता है न वो फिजिकली डेवलप हो सकता है कुछ नहीं कर सकता जीवन में तो भाइयों मैं थरते हूं जो ये स्त्री की एक्टिविटी हो इसमें मायूस होने की जरूरत ना है ये चीज ये ट्रेलर जरूरी है और थैंक यू चन्नी साहब यो कर दिया इन कुत्तिया दिखा दी और पंजाब वाले भाइया का बहुत बहुत धन्यवाद क्योंकि हमारे साथ ये हुआ था तुमने करना पड़ेगा और जिसने भी रोध करना है करे जाओ भाई चंडीगढ़ आ जाओ भाई मैं आसपास चंडीगढ़ के सौ डेढ़ सौ किलोमीटर के आसपास पास मैं हूं मैंने तो अपना कल पेज भाई दे दिया था वो कहने लग रहे भाई तेरा पेज चाहिए एडता ला माँ भाई कुछ ले लो ना मैं केसा से डरता ना और कुछ ग्यारह मुकदमे पहले ला गए दो साल पहले जेल में और पंचर ला देंगे फिर रहूंगा लेकिन इन गढ़ चढ़ाक राखो इतना जीवागे स्वाभिमान की जिंदगी जीनी है मन कुत्तरिया पानी ना मारना तो सभी भी भाई जय जवान जय किसान